अदिति को ये जानकर हैरानी हो रही थी कि रावी विवान को जानती थी। उसने रावी से पूछा, तू विवान के बारे में इतना सब कैसे जानती है? रावी ने कहा, तुम रमाशंकर मेहता को तो जानती हो ना? अदिति ने जवाब दिया, अब इन सब में रमाशंकर मेहता कहां से आ गए? रावी ने हंसते हुए कहा, मैडम आपके विवान मेहता रमाशंकर मेहता के बेटे हैं। रमाशंकर मेहता देश के सबसे बड़े लॉयर हैं। उनके दो बेटे हैं, विवान और अयान। अयान मेहता को तो तुम जानती ही हो, वो भी अपने पापा की तरह एक बड़े लॉयर हैं। और विवान होटल पैराडाइज और फूड चेन टेस्ट एंड ट्रीट्स के ओनर हैं। अदिति का मुंह खुला का खुला रह गया। विवान इतना बड़ा आदमी है, उसे तो लगा था कि विवान कोई बड़ा बिजनेसमैन है, पर वो इतने बड़े खानदान से होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। अदिति को अब समझ में आ रहा था कि विवान ने उसे मिलने के लिए होटल पैराडाइज में क्यों बुलाया था। वो उसका खुद का होटल है। अदिति ने देखा रावी भी चुप बैठी कुछ सोच रही थी। अदिति ने उससे पूछा, अब तू क्या सोचने लगी? रावी ने सोचते हुए जवाब दिया, यार मैं ये सोच रही थी कि विवान जैसे बंदे को सरोगेसी के जरिए बच्चे की क्या जरूरत पड़ गई। उसे शादी करने के लिए तो कोई भी लड़की आसानी से हाँ कर देती। अदिति ने कहा, हाँ मैं भी वही सोच रही थी। इनफैक्ट मैंने उससे पूछा भी था, पर उसने ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। तो वो इतना रिच है, इतना हैंडसम है, फिर भी उसे सरोगेसी की हेल्प क्यों लेनी पड़ रही है, ये बात समझ नहीं आ रही। रावी ने कहा, कुछ सालों पहले मैंने सुना था कि उसकी शादी होने वाली थी। उसकी होने वाली बीवी उससे फेरों के बीच उसे छोड़कर चली गई थी। उस समय का ये बहुत बड़ा स्कैंडल था। महीनों तक न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में इस बात की चर्चा थी। इस घटना के बाद विवान कई सालों तक गायब रहा। इस घटना ने विवान का लॉ करियर भी लगभग खत्म कर दिया था। अदिति के लिए ये एक और शॉकिंग न्यूज थी। उसने हैरानी से पूछा, क्या विवान इज अ लॉयर? रावी ने कहा, डोंट टेल मी यू डोंट नो दैट। अरे उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो तो उस समय की ब्रेकिंग न्यूज थी, तुझे कैसे नहीं पता? ये सब इतना ज्यादा हो गया था कि विवान पब्लिकली सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कुछ समय तक कहीं गायब रहा। रूमर्स तो ये थे कि विवान अब्रॉड चला गया था। वापस आने के बाद उसने प्रैक्टिस छोड़ दी और होटल बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एंड ही इज जस्ट ब्रिलियंट इन दिस टू। टेस्ट एंड ट्रीट्स के आउटलेट्स लगभग हर सिटी में है और होटल पैराडाइज टॉप 5 स्टार होटल्स में से एक है। अदिति को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने कहा, अरे पर एक ही नाम के दो आदमी भी तो हो सकते हैं। हो सकता है ये कोई अलग विमान मेहता हो। ये सुनकर रावी ने अपनी गोद में तकिया रखते हुए कहा, हाँ बात तो सही बोल रही है। एक काम करते हैं, गूगल सर्च करके देखते हैं। फिर रावी ने पास में रखा हुआ फोन उठाया और उसे तकिए पर रखकर गूगल में विमान मेहता टाइप किया। अदिति भी रावी से सट कर बैठ गई थी और फोन में देख रही थी। अब विवान मेहता की पूरी प्रोफाइल और बहुत सारी इमेजेस उनके सामने थी। अदिति ने देखा ये वही विवान था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसका मतलब था कि विवान द विवान मेहता था, एक फेमस लॉयर, आज का फेमस बिजनेसमैन, ही इज अ सेलिब्रिटी। उसने रावी को बताया कि ये वही विवान है। रावी ने एक्साइटेड होकर कहा, तू विवान मेहता के बच्चे को जन्म देने वाली है? ओह माय गॉड, इट्स रियली रियली अमेजिंग। अदिति ने रावी की बात को पूरा नहीं होने दिया। वो उसे रोकती हुई बोली, तो अब तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक सरोगेट मदर बनने जा रही हूँ, क्योंकि उस बच्चे का बाप विवान मेहता है? रावी ने सकपकाते हुए कहा, अरे नहीं यार, आई डिडंट मीन दैट। मुझे तो इस कोइंसिडेंस पर हैरानी हो रही है। सोच, अभी कुछ देर पहले तक हम इस बात से खुश थे कि हमें रमाशंकर मेहता जी के साथ लंच करने का मौका मिल रहा है, और अब देख तू उनके बेटे के बच्चे को जन्म देने वाली है। इट्स अ बिग डील यार। अदिति ने भी एक तकिया उठाकर अपनी गोद में रखा और हंसते हुए बोली, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे विवान से मेरी शादी हो रही हो और मैं मेहता खानदान की बहू बनने वाली हूँ। मैडम मैं सिर्फ उसके बच्चे को अपनी कोख में पालने वाली हूँ। एक बार बच्चे का जन्म हो जाएगा उसके बाद मेरा विवान से कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। आई एम जस्ट हायर्ड यार। रावी भी ये सुनकर थोड़ी टेंशन में आ गई। उसने कहा, यू आर राइट, बट नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तू कल कॉलेज मिस करेगी? अदिति ने तकिए को अपने गोद से हटाकर जोर से एक ओर रखा और बोली, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं कॉलेज मिस नहीं करना चाहती, पर विवान को भी मना नहीं कर सकती। क्या करूं यार, तू ही कुछ बता ना। रावी ने सोचते हुए कहा, तू एक काम कर, कल उसके साथ चली जा, पर उसको बता देना कि तू बार बार ऐसे कॉलेज मिस नहीं कर सकती है। और कॉलेज का टेंशन मत लेना, मैं तो जाऊंगी ही, तो कल की प्रिपरेशंस मैं कर लूंगी। वैसे भी रिपोर्ट्स लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो तू जब वापस आ जाएगी तो मुझे ज्वाइन कर लेना। अदिति ने कहा, यार तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच, चल अब सोते हैं। रावी ने अदिति को गुड नाइट कहा और सोने चली गई।
अदिति अपने बेड पर लेटी हुई सोच रही थी कि विवान ने अब तक उसे बताया क्यों नहीं कि वो कौन है। पर मैंने भी तो उससे कभी इस बारे में कुछ पूछा ही नहीं। ये मेरी भी गलती है, मुझे इस बारे में पता करना चाहिए था। कल मैं इस बारे में उससे जरूर बात करूंगी। काफी देर तक अदिति विवान के बारे में सोचती रही। वो सोच रही थी कि उसकी होने वाली पत्नी उसे बीच शादी में छोड़कर क्यों चली गई। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, विवान पर भी क्या बीती होगी। इट्स रियली हॉरिबल। विवान के बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब अदिति की आंखें लग गई। अगले दिन अदिति कॉलेज नहीं जाने वाली थी, इसलिए वो थोड़ी देर तक सोती रही। उसे इनफर्टिलिटी सेंटर 10 बजे तक जाना था। अचानक उसे विवान के मैसेज की याद आई जो उसने रात को किया था, जिसमें उसने लिखा था कि अगर मैं चाहूं तो वो मुझे हॉस्टल लेने आ जाएगा। कल तो गुस्से की वजह से मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया था। कहीं वो सच में यहाँ मुझे लेने ना आ जाए। नहीं नहीं, अब तो मैं और नहीं चाहती कि कोई भी उसे यहाँ देखे। वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है और कोई भी उसे पहचान लेगा। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। अदिति ने तुरंत अपना फोन उठाया और विवान को रिप्लाई किया। विवान, आपको मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं 10 बजे क्लिनिक पहुंच जाऊंगी। मैसेज सेंड करने के बाद अदिति ने देखा अभी सुबह के 7 बजे थे और वो कुछ देर और सो सकती थी। अदिति फिर से सो गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा सुबह के 9:30 बज रहे थे। वो हड़बड़ा के उठी और बोली, हे भगवान, इतनी देर हो गई, पता ही नहीं चला। अब जल्दी से तैयार होकर निकलना पड़ेगा, अगर लेट हो गई तो उस खड़ूस को फिर से कुछ बोलने का मौका मिल जाएगा। फिर वो विवान की आवाज की नकल करते हुए बोली, मिस अदिति, आई हेट बीइंग लेट। अदिति ने फटाफट ब्रश किया और शावर लिया, फिर वो जल्दी से रेडी हुई। उसके हाथ में अभी भी स्वेलिंग थी। उसने ऑइंटमेंट लगाया। उसे क्रेप बैंडेज बांधने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जैसे तैसे करके उसने बैंडेज बांधा, फिर वो हॉस्टल से निकल गई। उसके पास चाय पीने का भी टाइम नहीं बचा था। अदिति ने हॉस्टल के बाहर से ऑटो लिया और इनफर्टिलिटी सेंटर की ओर चल दी। उसने घड़ी देखी, 9:55 हो रहे थे। उसने ऑटो वाले को फास्ट चलने के लिए बोला। वो सोच रही थी, मैं पक्का लेट हो जाऊंगी यार, ओह गॉड, काश वो खड़ूस भी लेट हो जाए। अदिति बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। आखिर 10:15 पर वो इनफर्टिलिटी सेंटर पहुंच गई। उसने जाकर सबसे पहले पार्किंग में अपनी नजरें दौड़ाई। उसे कहीं भी विवान की कार नजर नहीं आई। वैसे ये पता करने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि विवान की मर्सिडीज दूर से ही पहचान में आ जाती है, मगर यहाँ वो कार नहीं थी। अदिति ने चैन की सांस ली और इनफर्टिलिटी सेंटर के अंदर गई। रिसेप्शन पर जाकर उसने अपनी रिपोर्ट्स के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि उसकी रिपोर्ट्स डॉक्टर शुभि के पास है और उसे उन्हीं के पास से लेनी होगी। अदिति ने सोचा वो रुककर विवान का वेट करे, जब वो आएगा तो साथ में ही रिपोर्ट्स लेने जाएंगे। वो वेटिंग एरिया में वेट करने लगी। उसे बैठे हुए 15 मिनट हो गए थे, मगर विवान अभी तक नहीं आया था। अदिति को अब गुस्सा आने लगा था। मुझे तो ऑर्डर दे दिया कि 10 बजे पहुंच जाना, और अब 10:30 बजने को आए हैं और साहब का कोई पता ही नहीं है। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद उसे काफी वियर्ड सी फीलिंग होने लगी। उसे यहाँ बैठे रहना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा डॉक्टर शुभि के पास बैठकर ही वेट करती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। अदिति उठकर डॉक्टर शुभि के केबिन की तरफ चल दी। केबिन के बाहर पहुंचकर उसने देखा केबिन का डोर खुला हुआ था। डॉक्टर शुभि केबिन में बैठी हुई थी और उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ था। उसने सोचा कि वो अंदर जाए या नहीं। अदिति सोच ही रही थी कि डॉक्टर शुभि की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अदिति, तुम आ गई, प्लीज कम इन। अदिति के पास अब अंदर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो अंदर गई और मुस्कुराते हुए शुभि को हेलो कहा। अभी तक उसने उस आदमी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। शुभि ने अदिति को बैठने के लिए कहा। अदिति बैठ गई। तभी पास बैठे आदमी ने उसे हेलो कहा। अदिति ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो और कोई नहीं बल्कि विवान था। अदिति ने हिचकिचाते हुए उसे हेलो कहा। तो विवान यहाँ आ चुका है, मगर कब? मैं तो कब से बाहर उसका वेट कर रही थी, आखिर यही यहाँ कब आया? अदिति ने विवान से पूछा, आप कब आए? विवान ने कहा, आई ऑलवेज बी ऑन टाइम अदिति, मैं 10 बजे यहाँ पहुंच गया था, आप लेट हो गई। अदिति थोड़ी एम्बैरेस्ड दिख रही थी। लगता है ये आज किसी और कार से आया है, मुझे पहले ही अंदर आ जाना चाहिए था। उसने धीरे से कहा, सॉरी, मैं बाहर आपका वेट कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप आ चुके हैं। उसकी बात सुनकर शुभी हंसते हुए बोली, ये तो कमाल हो गया, हम अंदर तुम्हारा वेट कर रहे थे और तुम बाहर विवान का। फिर शुभी की नजर अदिति के हाथ पर पड़ी। उसने पूछा, हे अदिति, ये क्या हुआ? अदिति ने अपने हाथ की ओर देखा और फिर शुभी को जवाब दिया।
कुछ नहीं डॉक्टर, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। विवान ने भी अदिति के हाथ की ओर देखा, पर वो अदिति से कुछ नहीं बोला, बल्कि उसने शुभी से पूछा, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है ना डॉक्टर? उसके अचानक इस तरह से सवाल पूछने से शुभी भी चौंक गई। अदिति ने देखा विवान जिस तरह से ये पूछ रहा था, जाहिर था कि पिछले दिनों में वो सिर्फ इसी बारे में सोचता रहा होगा। शुभी ने अपने सामने रखी फाइल को खोला और कहा, यस विवान, एवरीथिंग इज फाइन, शी कैन हेल्दीली कंसीव अ बेबी, सो वी कैन गो अहेड फॉर द प्रोसेस। विवान के चेहरे पर राहत भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अदिति बहुत ही ऑकवर्ड सी बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उसे खुश होना चाहिए या दुखी। शुभी ने शायद उसकी सिचुएशन को समझ लिया था। वो सिंपथी से बोली, अदिति आर यू ऑल राइट? अदिति ने कहा, हाँ हाँ आई एम ओके। शुभी ने आगे कहा, ओके देन, हम अगले एक दो दिन में प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, बाकी आप जैसा ठीक समझिए। विवान ने कहा, नो डॉक्टर, स्टार्ट द प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल। शुभी ने कहा, ठीक है तो फिर मैं सारे अरेंजमेंट्स करके आपको कॉल करती हूँ, प्रॉबेबली वी स्टार्ट द प्रोसेस आफ्टर 2 डेज। विवान और अदिति शुभी के साथ बात खत्म करके उसके केबिन से बाहर आ गए। विवान ने अभी तक हेलो के अलावा अदिति से कोई बात नहीं की थी। अदिति को लगा कि उसके लेट आने की वजह से विवान उससे नाराज है। कुछ देर में दोनों पार्किंग में थे। विवान आज एक अलग कार में आया था, ये भी बहुत महंगी कार लग रही थी। अदिति को याद आया कि जब उन्होंने गूगल पर विवान के बारे में सर्च किया था तो उसमें लिखा था कि विवान को कार्स का बहुत शौक है। विवान कार के पास जाकर रुक गया। अदिति भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। विवान ने अदिति से कहा, ये तुम्हारी चोट? विवान ने इतना कहा ही था कि अदिति ने उसे रोकते हुए कहा, अरे ये तो एक मामूली सी चोट है, डोंट वरी आई एम फाइन। विवान ने अदिति की ओर आगे बढ़ते हुए कहा, नो आई एम जस्ट सेइंग कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अदिति को विवान का ये कहना बहुत ही वियर्ड लगा, जैसे उसने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई हो। उसने अपने आईब्राउज को ऊपर करते हुए पूछा, आगे से नहीं होना चाहिए का मतलब? विवान ने अपनी कार से टिकते हुए कहा, मतलब ये कि आने वाले 1 साल तक तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि जब तुम प्रेग्नेंट रहो तब तुम्हें खरोच भी आए, सो माइंड इट। अदिति को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं खुद अपने आप को हर्ट करती रहती हूँ। अब अगर गलती से कोई चोट लग जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ? चोट तो कभी भी किसी को भी लग सकती है। अदिति ने थोड़ा चिढ़ते हुए अपने दिमाग में चल रही बात विवान को कह दी। वो बोली, विवान कोई जानबूझकर खुद को हर्ट नहीं करता, एक्सीडेंटली कभी लग जाए तो इट्स नॉर्मल, सभी के साथ होता है। विवान ने कहा, सभी के साथ होता होगा, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, सो तुम्हें आगे से ध्यान रखना होगा। एनीवे, अभी मुझे थोड़ी जल्दी है सो मैं जा रहा हूँ। अदिति ने कहा, नहीं एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। विवान ने कहा, नहीं अभी मुझे जाना होगा। इतना कहते हुए विवान कार में बैठ गया और चला गया। आज उसने अदिति से पूछा भी नहीं कि क्या वो उसे छोड़ दे। हालांकि अदिति इसके लिए मना ही करती, मगर फिर भी एक बार पूछना तो था। अदिति वहीं खड़ी सोच रही थी, क्या इसके ऐसी अजीब बिहेवियर की वजह से इसकी शादी होते होते रुक गई थी।